हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेपकोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है जी, तो बेसिकली सवाल देखते हैं क्या है। आपको ना एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे मिल रखा है। जैसे कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या क्या मतलब है, जैसे ओरिजिनली ना ये एक सॉर्टेड एरे था। ठीक है, ओरिजिनली ये एक सॉर्टेड एरे था, फिर इसको एक पिवट इंडेक्स से ना रोटेट कर दिया गया। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ से इस पर रोटेशन लगाकर क्या हुआ कि इतना पार्ट आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, या फिर आप दूसरा ये बोल सकते हो कि इतना पार्ट पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इक्वली होती है वो बात, है ना। तो इस वाले इंडेक्स से यहाँ पर रोटेशन लगाई गई है। ठीक है जी, जैसे कि अगर आप गिवन एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो इस पॉइंट से, है ना, कि इतना पार्ट आपस में सॉर्टेड है 7 to 8 वाला, और इतना पार्ट आपस में सॉर्टेड है 0 to 6 वाला। ओरिजिनली एरे कैसा दिखता था, 1 2 वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ आगे आ रहा था। तो ओरिजिनली सॉर्टेड एरे हुआ करता था, उसको एक पिवट इंडेक्स से रोटेट कर दिया गया है। अब आपको इस सॉर्टेड रोटेटेड एरे में सर्चिंग लगा कर दिखानी है। ठीक है जी, जैसे कि अगर आपको एक टारगेट मिला है 1, तो क्योंकि 1 इस एरे में प्रेजेंट है तो आप उसका इंडेक्स बता देंगे। और वहीं अगर आपको टारगेट मिला होता 3, तो 3 इस एरे में प्रेजेंट नहीं है तो आप -1 दे देते हैं। ठीक है जी, ये आपको करके दिखाना है, सही है। अब टारगेट 1 रखकर एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स देखो यार, क्वेश्चन बनाया गया है तो इसको लीनियर सर्च से तो करना नहीं है हमें कि हम ऐसे ऐसे चल के जिस दिन 1 मिल जाए उस दिन उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें। हमें इसको करना होगा कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइज सर्च लगाकर एरे के सॉर्टेड होने का फायदा उठाना होगा। आई नो डायरेक्टली सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड एरे को रोटेट कर रखा है तो रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, लेकिन यहाँ भी कुछ गौर करने वाली बात है कि अगर आप देखें तो आप इन दो पार्ट्स को मान सकते हैं कि देखो पार्ट 1 इज सॉर्टेड, पार्ट 2 इज सॉर्टेड। तो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं यहाँ पर भी बाइनरी सर्च को अप्लाई करने में। गौर से देखना, लो यहाँ है, हाई यहाँ है, मिड निकालते हैं, मिड आएगा इंडेक्स नंबर 1। यहीं पर क्वेश्चन की सारी इंटेंशन छुपी हुई है, एक बार ये समझने की कोशिश करो। देखो जी, लो से मिड या फिर मिड से हाई का पार्ट, इनमें से एक ना एक पार्ट पक्का सॉर्टेड होगा, इस बात की गारंटी है। पता है क्यों? देखो, देखने की कोशिश करो, जो पार्ट 1 पार्ट 2 का सेग्रीगेशन सा हुआ है ना, वो इस मोमेंट पर यहाँ पर है, जैसे कि मिड और हाई के बीच में है ना। ये रहा पार्ट 1 जो कि सॉर्टेड है, और ये रहा पार्ट 2 जो कि सॉर्टेड है। ठीक है जी, तो इस मोमेंट पर अगर आप देखेंगे ना, लो से मिड वाला पार्ट सॉर्टेड है। सही कह रही हूँ? ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि लो से मिड वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो टारगेट क्या लो से मिड के बीच में लाया करेगा? अगर वहां लाया करेगा तो आप राइट हैंड साइड के पार्ट को डिस्कार्ड कर सकते हो, और अगर वहां लाई नहीं करेगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को डिस्कार्ड कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना, तो सवाल में पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रैदर देन इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखो, लो यहाँ है, हाई यहाँ है, आपने मिड निकाला। सिनेरियोस पता है क्या हो सकते हैं, सॉर्टेड रोटेटेड एरे में बेसिकली ऐसा हो सकता है कि पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 ये रहा, यहाँ पर आपका पिवट आ रहा है जहाँ से रोटेशन लगी हुई होगी। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। तो इस सिनेरियो में लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है। यही पता है कैसा एग्जाम्पल हो सकता था कि ये रहा आपका लो, ये रहा आपका मिड, ये रहा आपका हाई, और पता है इस बार पिवट कौन से एरिया में आ रहा है? इस बार पिवट आ रहा है आपका लो से मिड वाले पार्ट में। अब इस मोमेंट पर खुद सोचो कौन सा पार्ट सॉर्टेड होता, मिड से हाई वाला पार्ट अभी भी सॉर्टेड है। तो इन एनी केस देखो यार, या तो पिवट इस एरिया में आ सकता है या फिर पिवट इस एरिया में आ सकता है। ठीक है जी, जब पिवट राइट हैंड साइड वाले एरिया में आ रहा है तब लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, जब पिवट लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया में आ रहा है तब मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है। इन एनी केस आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से पार्ट को डिस्कार्ड करा जाए, और बाइनरी सर्च में यही तो जरूरी होता है कि आपको पता हो कि कौन से एक पार्ट को डिस्कार्ड करना है। मैं ये एग्जाम्पल तो आपके सामने है ही, देखो यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 इस पॉइंट पर सेग्रीगेट हो रहे हैं, पॉइंट राइट हैंड साइड पर लाई कर रहा है। तो गिवन एग्जांपल इसी तरह का सिनेरियो दिखा रहा है आपको। मैं जल्दी से एक बार सेकंड सिनेरियो पे बेस्ड एग्जांपल लिख देती हूँ आपके सामने, और वो एग्जांपल हो सकता है समथिंग 5 6 1 2 3 4 हो गया एग्जांपल। ये रहा लो, ये रहा हाई, और ये रहा मिड। ओके जी, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका पिवट पॉइंट आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो रादर देन इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करना, आपको ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, कि लो से मिड या फिर मिड से हाई, इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट तो पक्का सॉर्टेड हो गई। ठीक है जी, तो एक बार अभी इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार 1 को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेटेस्ट ट्राई। ठीक है, तो लो मैंने रखा 0 पर, हाई मैंने रखा 8 पर, मेरा मिड आया 4। मैंने देखा कि क्या यहीं पर 1 तो नहीं मिल गया, तो इसने कहा नहीं। अब मैंने देखा कि लो से मिड
ये वाला पार्ट सॉर्ट है या फिर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो देखो देखते हैं, लो से मिड मुझे सॉर्टेड नजर आया, कैसे? क्योंकि देख लो, एरे ऑफ लो इज लेस देन एरे ऑफ मिड व्हिच इंडिकेट्स कि दिस पार्ट इज सॉर्टेड, ये पार्ट सॉर्टेड है। अब मैंने देखा कि वन, क्या तुम फोर से एट के बीच लाया करोगे? वो कहेगा नहीं, वन थोड़ी ना फोर से एट के बीच आएगा। तो क्योंकि वन फोर से एट के बीच नहीं आएगा तो मैंने बोला कि लो से मिड का कोई काम नहीं, लो को उठाकर मिड प्लस वन पर रख दिया जाए। एक और बार से मिड निकालते हैं, मिड इस बार आएगा आपका सिक्स इंडेक्स, ठीक है जी। अब मैंने फिर से चेक करा एरे ऑफ मिड पर, तो मुझे टारगेट नजर नहीं आया। मेरा डिसीजन, कौन सा पार्ट सॉर्टेड है? क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है? हाँ, लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है। वन, क्या तुम इस सॉर्टेड पार्ट को बिलोंग करोगे? क्या तुम नाइन और टेन के बीच में आते हो? नहीं। तो हम कहेंगे कि लो से मिड का पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, लो को उठाकर मिड प्लस वन पे रख दो। इस बार आप अपना मिड निकालेंगे, मिड आएगा इंडेक्स नंबर सेवन, और आप कहेंगे कि एरे ऑफ मिड पर हमें अपना टारगेट मिल गया है, हमने वन को ढूंढ लिया यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है जी। तो अगेन वही बात कि लो से मिड या फिर मिड से हाई वाले पार्ट को देखकर अपना डिसीजन लीजिए, आपको कौन सा पार्ट डिस्कार्ड करना चाहिए, कौन से पार्ट में आपको अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है जी। यही चीज़ है बस इसमें जरूरी। एक बार एक ऐसे एलिमेंट के लिए भी पार्ट्स करके देखेंगे जो नहीं मिलेगा, बट एक बार थोड़ा कोड की तरफ प्रोसीड करते हैं, देन उसको पार्ट्स करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार कोड लिखने की कोशिश करते हैं पहले हम, ओके जी। तो ये देखो एक बार, है ना, फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। बाइनरी सर्च लगाना है अपने को, तो लो को इनिशियली जीरो पर रख लेते हैं, हाई को इनिशियली एरे डॉट लेंथ माइनस वन पर रख लेते हैं, ठीक है। और अब जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक हमें अपना काम कराना है। क्या काम है? सबसे पहले तो मिड निकाला जाए, कैसे? लो प्लस हाई बाई टू करके, है ना। और अब देखा जाए कि अगर एरे ऑफ मिड पर ही हमें अपना टारगेट मिल गया है तो काफ़ी सही जा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न मिड की मिड इंडेक्स पर हमें अपना टारगेट मिल गया है। अब देखो कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है या फिर मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है। तो देखो मैं कैसे चेक करूंगी कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं। तो एरे ऑफ लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, ताकि मैं ये बोल पाऊँ कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है जी। इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि लो टू मिड पार्ट इज सॉर्टेड, लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, है ना। अगर लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है तो चेक कर लीजिए कि क्या टारगेट लो से मिड के बीच में ही आता है। तो हम देखेंगे कि टारगेट तुम्हें बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एरे ऑफ लो से, एंड साथ ही साथ तुम्हें लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए एरे ऑफ मिड से, ताकि तुम लो से मिड के बीच में लाए कर पाओ। और अगर तुम लो से मिड के बीच में लाए कर रहे हो ना, तो हमको लो से मिड में ही सर्च करना चाहिए फिर, इसलिए मैं हाई को उठाकर मिड माइनस वन पर रखूंगी, सही है। इनफैक्ट यहाँ पर इक्वालिटी चेक ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एरे ऑफ मिड के बराबर टारगेट होता तो ऊपर ही पकड़ लिया जाता है ना। लो से मिड का पार्ट देख रहे हैं तो लो के साथ इक्वालिटी लगा दो, मिड से एक कम चलेगा, क्योंकि अगर एरे ऑफ मिड पे टारगेट होता तो ये पकड़ लिया जाता, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका टारगेट लो से मिड के बीच में लाए नहीं कर रहा है, तो फिर आपका टारगेट लाए करेगा राइट हैंड साइड पर, लो को उठाकर मिड प्लस वन पर रखना ना भूलें, ठीक है जी। फाइनली यहाँ पर मैं पता है क्या चेक कर रही हूँ, यहाँ मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या मेरा मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं। तो मिड से हाई के पार्ट को सॉर्टेड होने के लिए एरे ऑफ मिड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ हाई, इससे मैं ये बोल पाऊंगी कि मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है। तो मिड टू हाई पार्ट इज सॉर्टेड, सही है। और अगर ऐसा है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या टारगेट बेसिकली एरे ऑफ मिड से एरे ऑफ हाई के बीच में आ रहा है क्या। तो टारगेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड एंड टारगेट शुड बी लेस देन एरे ऑफ हाई। तो एरे ऑफ हाई से यहाँ पर मैंने शायद गलती लिख दी, हाँ ठीक है। देखो ना, टारगेट को एरे ऑफ लो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एरे ऑफ मिड से तो छोटा होना चाहिए ना, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर मतलब ये देख रहे हो ना, लो से हाई के बीच में है तो लो से बड़ा और मिड से छोटा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको देखना है मिड से हाई के बीच में है तो मिड से बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ मिड से, और एरे ऑफ हाई से छोटा होना चाहिए आपका टारगेट, ठीक है जी। ये सिनेरियो। और सिमिलरली यार यहाँ पर देखो, मिड के साथ इक्वालिटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिड पर ही बैठा होता टारगेट तो ऊपर ही पकड़ लिया जाता। तो मिड से बड़ा होना चाहिए और एरे ऑफ हाई से इक्वल्स टू या छोटा होना चाहिए, मतलब उस पार्ट में लाए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट मिड से हाई के बीच में लाए कर रहा है तो लो को मिड प्लस वन पर रख दो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हाई को मिड माइनस वन पर रख दीजिए, ठीक है। ऐसा करके अगर आप कभी भी इस मौके पर मिलते हो तो आपको मिल गया है एरे, एरे में अपना एलिमेंट, अदरवाइज नहीं मिला है। फाइनली रिटर्न माइनस वन अगर आपको एरे में अपना एलिमेंट नहीं मिला है तो, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं एक बार, एरे ऑफ मिड पे टारगेट मिला, बहुत बढ़िया। क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है? अगर लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, क्या टारगेट
लो से मिड के बीच में आ रहा है, अगर लो से मिड के बीच में आ रहा है तो हाई को उठाकर मिड माइनस वन पे रख दो, ठीक है। और अगर आपका टारगेट मिड से, मतलब पहले ये चेक करो कि क्या मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है, अगर मिड से हाई का पार्ट सॉर्टेड है तो ये देखिए कि क्या टारगेट मिड से हाई के बीच में आ रहा है। मिड से हाई के बीच में आने का मतलब कि टारगेट शुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ मिड एंड इट शुड बी लेस देन एरिया ऑफ हाई, ठीक है जी, सही है। तो बेसिकली तब वो हम कहेंगे कि मिड से हाई के बीच में आ रहा है, अगर ऐसा है तो लो को उठाकर मिड प्लस वन पे रख दो और अदरवाइज हाइट को उठाकर मिड माइनस वन पे रख दो, ठीक है जी। तो कोड तो एकदम सही सही सा लग रहा है, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास कर पाएगा कि नहीं। ओके, तो पहला टेस्ट केस तो पास कर रहे हैं, देखते हैं सबमिट करके, ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो हमने प्रॉपर बाइनरी सर्च लगाकर इसको करा है। एक बार मैं जल्दी से इसको एक बार ड्राई रन कर देना चाहती हूँ कि आपको दिख जाए दोनों तरह के एग्जाम्पल्स के लिए कि कब ये एलिमेंट ढूंढ कर देगा कब नहीं देगा, मतलब किस तरीके से अपनी सर्चिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है यार। तो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार जब एलिमेंट को ढूंढना हो तब वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, एक बार उस चीज का एग्जाम्पल, और एक बार जब एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। दोनों एग्जाम्पल लेकर एक बार इसको पार्स करके देते हैं सर्चिंग कैसे कॉन्टिन्यू हो रही है। कंट्रोल सी एंड हाँ जी, ये पेज यहाँ पर लगा दिया। ओके जी, तो एक बार इसको सर्च करते हैं, ठीक है, आसान सा ही है। कौन से पार्ट को डिस्कार्ड करना है वो आपको देखना है, क्या लो से मिड सॉर्टेड है तो वहां आपको एक स्कोप मिलेगा, क्या मिड से हाई सॉर्टेड है तो वहां आपको एक स्कोप मिलेगा, ठीक है। इनिशियली आपने लो रखा यहाँ, हाई रखा यहाँ, मैं आपका टारगेट रखना चाहती हूँ इस मोमेंट पर 5, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट 5, 5 हमको किस तरीके से मिलता है, मिड यहाँ पर देखा मैंने, ठीक है जी। तो मुझे ये समझ आया कि बेसिकली एरे ऑफ मिड पर तो टारगेट है नहीं, अब ये चेक करो कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, क्योंकि लो से मिड या फिर मिड से हाई एक ना एक पार्ट तो पक्का सॉर्टेड होगा, है ना, ये हम प्रीवियसली यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे ये वाला डायग्राम बनाकर, ठीक है जी। तो अभी एक बार देखते हैं इसको, तो मैंने देखा कि देखो एरे ऑफ लो इज लेस देन एरे ऑफ मिड विच इंडिकेट्स कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है। अब मैंने ये चेक करा कि टारगेट 5, क्या तुम लो से मिड के बीच में आते हो, तो कहेगा हाँ। पता है क्यों? क्योंकि जो टारगेट है वो एरे ऑफ लो से बड़ा है, 4 से बड़ा है, और टारगेट एरे ऑफ मिड से छोटा है, 8 से छोटा है। 5 बेसिकली 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है, 4 से 8 के बीच में आएगा। तो आपने हाई को उठाकर मिड माइनस वन पर रख दिया कि फिर तो सर्चिंग इसी एरिया में होनी चाहिए, ठीक है जी। आप फिर से आए इसमें, इस बार आपने अपना मिड निकाला तो मिड आया इंडेक्स नंबर 1। यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले क्या काम करा, कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, तो हमें सब देखो दोनों भी सॉर्टेड हो सकते हैं, मतलब जब आप सॉर्टेड एरिया में पहुंच गए हो तो लो से मिड, मिड से हाई दोनों ही पार्ट सॉर्टेड होंगे। बट अगर आप ओवरऑल की बात भी करें तो एक पार्ट तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है, ये चीज भी है। ओके जी, तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, दोनों ही पार्ट सॉर्टेड है। अब मैं देखूंगी कौन से एरिया में मुझे जाना है, लो से मिड इज अ सॉर्टेड पार्ट, ओके। और अब ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या अपना टारगेट इसके बीच में लाए कर रहा है क्या, तो ओके सॉरी एक सेकेंड एक मिनट, हाँ अभी देखिए कि देखने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लो यहाँ था हाई यहाँ था, मिड पर आपको आपका टारगेट मिल चुका है, तो अब आप देखना ही बंद कर दोगे, है ना, आसानी से आपको एरे ऑफ मिड पर अपना टारगेट मिल गया तो आप कहोगे रिटर्न मिड, आप इसमें इंडेक्स नंबर 1 रिटर्न कर दोगे। ओके, एक बार मैं आपको उस तरह के एलिमेंट के लिए दिखाना चाहती हूँ जो कि मिलेगा नहीं। तो जैसे टारगेट 3 लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से अपनी सर्चिंग रोक दी जाएगी। लो यहाँ है, हाई यहाँ है, ठीक है, आपने निकाला मिड, आया इंडेक्स नंबर 4, ठीक है, चेक करेंगे क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, तो हाँ जी, एरे ऑफ लो इज लेस देन एरे ऑफ मिड विच इंडिकेट्स कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है। 3, क्या तुम 4 से 8 के बीच में लाया करते हो, तो 3 बोलेगा नहीं, क्योंकि 3 बेसिकली एरे ऑफ लो से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो 4 से 8 के बीच में लाया नहीं करेगा, इस वजह से मैं लो को उठाकर मिड प्लस 1 पे रख दूंगी कि ठीक है फिर 4 से 8 में कुछ नहीं मिलना, मिलेगा तो राइट हैंड साइड पर मिलेगा, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 3 कहीं होता ना यहाँ पर तो देखो इधर ही मिल सकता था आपको, सही कह रही हूँ ना, तो आप लो को उठाकर मिड प्लस 1 पर रख दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप आए, आपने अपना मिड निकाला, मिड आएगा इंडेक्स नंबर 10, ठीक है, तो आप देखोगे क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, यस इट इज, लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है। 3, क्या तुम 9 से 10 के बीच में आओगे, नहीं, तो फिर से ये वाला एल्स चल के लो को मिड प्लस 1 पर रख दिया जाएगा, लो को रखा मिड प्लस 1 पर, हम पहुंच रहे हैं, अगर 3 होता तो यहीं कहीं मिलता, इधर ही मिलता 3 कहीं, अभी देखते हैं। इस बार आपने मिड निकाला, मिड आया इंडेक्स नंबर 7, क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, यस इट इज, ठीक है जी, तो एक ही बंदा है लो से मिड में तो सॉर्टेड ही कहलाया जाएगा वो पार्ट, सॉर्टेड है। क्या 3, तुम इस एरिया में लाया करते हो, बेसिकली क्या तुम 1 के, एक ही बंदा है ना यहाँ पर, तो
थ्री इस एरिया में तो लाया करता नहीं है, क्योंकि थ्री एरे ऑफ लो से बेसिकली बड़ा तो है बट एरे ऑफ मिड से छोटा नहीं है, है ना। तो ये क्लाइन चली नहीं, एस चला और एस चल के आपने लो को रख दिया मिड प्लस वन पर, दैट इज यहाँ पर। एक और बार सर्चिंग होगी, इस बार मिड निकाला जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि क्या लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है? यस इट इज, क्योंकि लो से मिड के पार्ट में एक ही बंदा आ रहा है। बट आप फिर से फंस जाओगे क्योंकि थ्री एरे ऑफ लो से बड़ा तो है बट एरे ऑफ मिड से छोटा नहीं है। सही है, इस बार एल्स चलाकर आपने फिर से लो को रखा मिड प्लस वन पे, तो जैसे ही आप लो को उठाकर मिड प्लस वन पे रखेंगे आपकी सर्चिंग रुक जाएगी, बिकॉज लो इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू हाई एनी मोर। सर्चिंग रुकी, आपने बाहर आकर रिटर्न कर दिया माइनस वन। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर थ्री यहाँ कहीं होता ना तो इधर ही होता। हम बाइनरी सर्च लगाते लगाते अप्रोच करके वहाँ गए बट हमें मिला नहीं थ्री। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। कम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च लगाई है, एक पार्ट डिस्कार्ड करा है हमेशा, तो लॉग इन ही है। ठीक है जी, तो अगर आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।